हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रिंग लाइट विथ स्टैंड की। सो गाइस, इसे हमने कहां से परचेस किया है, इसे हमने ऑफलाइन ख़रीदा है या ऑनलाइन ख़रीदा है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। और इसकी प्राइस रेंज क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और इसको यूज़ करने के बाद जो वीडियो क्वालिटी आती है वो कैसी आती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो गाइस, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर रखे हैं दो किट। ये है रिंग लाइट स्टैंड और ये है रिंग लाइट। ये पहले ऐसे पैक में नहीं आया था, बट जब हम इसे परचेस करने गए थे तो ये एक बॉक्स में आया था, पर हम उसे कैरी नहीं कर पाए थे, इसलिए हम ये बैग लेकर आए। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं रिंग लाइट को। तो हमने इसे ओपन कर लिया है, अब इसको बाहर निकालते हैं। ये कुछ इस तरीके का निकला है, तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके पूरे राउंड में बल्ब लगे हुए हैं। ये इसका बैक साइड जो कि इस तरीके का दिखाई देता है। ये है इसकी केबल। ये है कैमरा लगाने के लिए, जो कि इस तरीके के दिखाई देता है। यहाँ पर इसको सेट करना होता है। चलिए अब मैं आपको इसे सेट कर दिखाती हूँ। तो ये इसे कर लेते हैं इसे। अब मैं इसे सेट कर रही हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मोबाइल लगा सकते हो। मोबाइल, अगर आप मोबाइल को सीधा लगाना चाहते हो तो आप सीधा लगा सकते हो, या मोबाइल को तिरछा लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाकर इसे पीछे से टाइट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं। पहले वाला है यहाँ पर लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए, और ये वाला बटन है लाइट का कॉम्बिनेशन दिया, दो लाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर आपको येलो लाइट चाहिए तो इसे पूरा इधर घुमाना होगा, अगर आपको वाइट लाइट चाहिए तो आप इसे पूरा इधर कर सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप केबल लगा सकते हो जो कि इस तरीके से लगती है। तो चलिए अब इसको स्टैंड में फिट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा रिंग लाइट स्टैंड जो कि है सिंपेक्स कंपनी का, और जो दिया गया है इटालियन लॉक के साथ। तो अब हम इसको करते हैं ओपन। तो ये यहाँ से ओपन होता है। जो कि इस तरीके का दिखाई देता है। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ से ऐसे थोड़ा इधर से, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा खोल लिया है, मतलब चौड़ा कर लिया है। आप चाहें जितना आपकी मर्जी हो उतना आप कर सकते हो। और यहाँ पर ये लॉक दिया गया है, इसे हम इधर लगा देते हैं। इसी के साथ दो लॉक और भी दिए गए हैं, जिसे अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो हमने ये पहले वाला ओपन कर लिया है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, और इसे आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। तो अभी बट मैं इसे अभी अंदर कर देती हूँ। अभी मैंने यहाँ से इसे लॉक कर दिया है। अब हम इसे ऊपर वाले को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी स्प्रिंग लगी हुई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो सकता है। अगर ये दोनों मिलकर खोल दिए जाएं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना लंबा हो सकता है। तो मैं अभी इसको नीचे कर देती हूँ।
तो मैं आपको दिखाऊंगी इसे रिंग लाइट में सेट करके। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको रिंग लाइट को तिरछा करना है तो यहाँ से पहले इसे लूज़ करना होगा। यहाँ से इसे लूज़ करके आप जैसा चाहो रिंग लाइट को कर सकते हो, बट मुझे अभी रिंग लाइट को सीधा रखना है तो मैं इसे टाइट कर देती हूँ। तो ये हो गया है। और ये है लॉक जो आप मैंने पहले वीडियो में पहले दिखाया था, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो ये ऐसे, तो बट मुझे अभी ऐसे ही रखना है तो मैं इसे लॉक कर देती हूँ। सो गाइस अब मैं आपको केबल लगा कर दिखाती हूँ और फिर लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी केबल, अब हम लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे लगाएंगे केबल। मैंने यहाँ पर केबल लगा दिए, अब मैं इसको लगाऊंगी स्विच में। अब हम इसे कर लेते हैं ऑन। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। तो सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं, ये पहले वाला है लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए। तो अगर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अगर इसे इधर घुमाऊँगी तो ये लाइट बिल्कुल ही कम हो जाएगी। अब अगर आपको लाइट ज़्यादा करनी है तो आप इधर इसे धीरे धीरे इसे घुमा सकते हो। तो आप देख सकते हो लाइट कितनी ज़्यादा हो गई है, तो आप देख सकते हो ये। और जो दूसरा बटन दिया गया था वो लाइट कॉम्बिनेशन का था, जो कि आप देख सकते हैं अगर हम इसे इधर करेंगे तो इसमें येलो लाइट आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से येलो हो गया है। अगर आपको वाइट करना है तो आप इसको इधर पूरा घुमा सकते हो। ये मैंने पूरा घुमा दिया है, तो आप देख सकते हो इधर पूरा वाइट लग रहा है। अब मैं आपको इसके साथ वीडियो बना के दिखाती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं जो वीडियो बना रही हूँ रिंग लाइट के साथ वीडियो बना रही हूँ। पहले मैंने जो वीडियो शूट किया था विदाउट रिंग लाइट का था, तो आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हो, रिंग लाइट ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम इसके परचेज़ की बात करते हैं, हमने इसे ऑफलाइन लिया या ऑनलाइन लिया है। तो पहले हम इसके ऑनलाइन की बात करते हैं कि ऑनलाइन में इसका प्राइस कितना है। तो ऑनलाइन में इसका प्राइस केवल रिंग लाइट का प्राइस है 4000 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक का। साथ में आपको स्टैंड भी लेना होगा, तो स्टैंड का प्राइस है 1000 रुपये से 1500 रुपये तक। दोनों की बात की जाए तो 5000 रुपये से लेके 6000 रुपये तक का इसका प्राइस है ऑनलाइन। तो बट हमने इसे ऑफलाइन परचेज़ किया है, तो हमने इसे ऑफलाइन में ख़रीदा है 4200 का। दोनों हमने ख़रीदे हैं 4200 के। केवल हमने इसे 4200 में परचेज़ किया है रिंग लाइट और स्टैंड को। अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो वो है डिजिटेक कंपनी और ये है 18 इंच का। सो गाइस हमने इसे इंदौर से परचेस किया है। अगर आप इंदौर के कहीं आसपास से हो तो आप इसे इंदौर से परचेस कर सकते हो। हमने इसे जिस भी शॉप से परचेस किया है उसका एड्रेस हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस मैंने इस वीडियो को बड़ी ही मेहनत से बनाया है, सो आप इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।